इदारों के साथ मिल के हमारे सिंधी भाइयों को बेघर कर रहे हैं। सर मेरी गुजारिश है, ना वो रिफंड देते हैं फाइल का ना कुछ। सर मेरी गुजारिश है उनका जो मसला है वो भी टेकअप किया जाए, कमेटी में मसला लाया जाए। बेरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ सर, जितने अड़ोस पड़ोस के गोट है सर, सब जगह सर वो गुंडागर्दी करके इदारों के साथ मिल के सर वो इलाके खाली कर रहे हैं सर, उसको भी कमेटी में लाया जाए। शौकत साहब प्लीज, शौकत साहब प्लीज। सर ये हमारे ऑनरेबल मेंबर फहीम भाई ने जो बात की, ये हाउसिंग बहरिया हाउसिंग सोसाइटी जो है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जो कि कराची में है, तो इस हवाले से जो है वो अगर ये कुछ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर आप या तो कमेटी की तरफ भिजवा दें और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो है उसके बारे में आप तफसीलात हासिल कर सकते हैं, और कमेटी में भिजवाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये आप कमेटी में भिजवा दें। लेकिन ये जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हाउसिंग सोसाइटी जो है वो कराची में है, ये सिंध गवर्नमेंट के साथ पर्टेन करता है, वहां से तफसीलात हम ले सकते हैं। मेरा ख्याल में इस तरह करते हैं कि तीनों क्वेश्चन जो है कमेटी को रेफर करते हैं और भी तीनों रेफर करते हैं ताकि कमेटी में, क्योंकि आपकी कमेटी में आएगी ना जी। राजा साहब खुरम, स्पीकर साहब थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे मौका दे दें। देखें ये सारी सोसाइटी के केस जो हमने टेकअप किए हुए हैं, अभी जिस तरह मेरी बहन ने सेनेट की बात की, तो कल हमारी मीटिंग थी, उसमें हमने जो सेनेट की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उससे हमने सारी तफसीलात मांगी। इसी तरह इससे पहले हमने एक केस टेकअप किया था नेशनल असम्बली की जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसका, और हमने नेशनल असम्बली के जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे यहाँ के असम्बली के अंदर, हमने उनको कब्ज़ा भी दिलवाया, उनको उनके प्लाट्स भी दिलवाए। इसी तरह जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का जो केस है वो भी हमारी कमेटी के अंदर, उसी कमेटी ने इसको उठाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे थे, और उसके बाद उसके ऊपर पूरी एक इंक्वायरी की गई, इनिशिएट की गई, फिर डीसी से कहा गया, उसके ऊपर एफआईआर हुई, और जम्मू कश्मीर की वो पुरानी जो मैनेजमेंट कमेटी थी वो इस वक्त कुछ लोग जेल के अंदर हैं और कुछ लोग इस मुल्क से इस वक्त भागे हुए हैं, और उनकी सारी इंक्वायरीज हमने वहाँ पे भेजी हैं, क्योंकि ये 28 अरब रुपए की करप्शन थी सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी की। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी हाउसिंग जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सेनेट, नेशनल असम्बली, जम्मू कश्मीर, ये सारे कमेटी के अंदर हैं, और जिस किसी को भी इसके ऊपर बात करनी है वो जरूर कमेटी के अंदर आए और उसके ऊपर बात करें ताकि हम उसको हम आपके इस कमेटी में 121 100 और 111 और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जिन्होंने किए वो सारे कमेटी को रेफर करें, आप उसको भी बुलाएं ताकि इसका पूरा तजिया किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी।